आप राउंड लगता है बाथरूमों में गंदगी इस तरह ये तो नहीं हो सकती, ये यहाँ तो काम नहीं हो रहा, यहाँ तो सफाई हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो फिर वो क्यों नहीं हो रही सब तरह? आप जरा बाथरूमों की हालत देखें, ये आपका राउंड लगाओ पॉसिबल नहीं कि यहाँ पे आप एमएस हैं यहाँ पे, अगर आपके यहाँ राउंड लगा नहीं बगल हुआ क्यों नहीं है? लाहौर के बड़े अस्पताल गंगाराम का हाल बेहाल, जनाबे आला अद्वियात बाहर से मंगवाई जाती हैं, ऑपरेशन के भी पैसे लिए जाते हैं, मरीजों के निगरान वजीर आला को शिकायत, मोहसिन नकवी गुस्से से लाल पीले, ये क्या हो रहा है? एमएस को झाड़ पिला दी, मरीज को ऑपरेशन के पैसे वापस करने का हुक्म, तहकीकात के लिए इंक्वायरी लगा दी, अस्पताल में गलीज तरीन वॉशरूम, गंदगी के ढेर, सफाई के नाकिस इंतजाम, एमएस के लिए आखिरी वार्निंग, निगरान वजीर आला ने कहा अभी जा रहा हूँ फिर आऊंगा, अचानक चेकिंग करूंगा, मामला बेहतर ना हुए तो जिम्मेदार आप होंगे। सर्दी की फिक्र ना धुंध का डर, आवाम की खिदमत के लिए नींद भी हराम, मौसम स्पीड की डबल स्पीड, सर्विसेज अस्पताल पहुंचे, तामीराती कामों पर ब्रीफिंग, एमडी वासा को निकासी आप का निजाम बदलने का हुक्म, ड्रेनेज के लिए नए पाइप बिछाने की हदायत, पानी की फौरी निकासी के लिए पंपिंग स्टेशन बनेगा, मोहसिन नकवी की मजदूरों से मुलाकात, रात 2 बजे तक काम करने वालों की तारीफ शाबाश थी, सुबह गुजरा सेक्रेटरी हाउसिंग सेक्रेटरी मुआसलात भी हमरा थे। अपनी छत का ख्वाब छोटे सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर, बरसों से रुके मंसूबों ने भी स्पीड पकड़ ली, रायवंड में कम कीमत हाउसिंग स्कीम के तहत 245 घर तैयार, 15 जनवरी को चाबियां मुलाजमीन के हाथों में होंगी, निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने मंसूबे का जायजा लिया, सीवरेज और ड्रेनेज का काम जल्द बरवक्त मुकम्मल करने का हुक्म। लाहौर के थानों की अपग्रेडेशन का विजन, पंजाब पुलिस भी वजीर आला के नक्शे कदम पर, 31 दिसंबर तक तमाम थाने स्पेशल इनिशिएटिव स्टेशंस में तब्दील कर दिए जाएंगे, डीआईजी ऑपरेशंस कहते हैं थाने आने वालों को हर मुमकिन सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। डेडलाइन में 3 दिन बाकी, ग्लोबल विलेज वॉक एंड शॉप एरिना सेंटर ऑपरेशनल क्यों ना हुआ, वजीर आला पंजाब एलडीए और सीबीडी हुकाम पर बरस पड़े, सख्त नाराजगी का इजहार, जोहर टाउन में ग्लोबल विलेज 130 केनाल पर बनाया गया है, इन्वेस्टर्स समिट में वजीर आला ने 31 दिसंबर का टाइम दिया था। लाहौर पर धुंध की चादर टंग गई, मोटरवे 6 घंटे के बाद दोबारा बंद, लाहौर से सियालकोट तक सफर ममनू, M2 शेखुपुरा तक धुंध के बायस बंद, M3 पर फैजपुर से जड़ावाला जाने वाले रास्ते धुंधला गए, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी घंटों बंद रहा, 8 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख, 18 घंटे ताकीद का शिकार हुई, ट्रेनों की रफ्तार भी मध्यम, जमीनी और फजाई मुसाफरों को मुश्किल का सामना। दिसंबर अपने जोबन पर, लाहौर में मरी के नजारे, कड़ाके की सर्दी, खून जमाने लगी, शहर का कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, स्मोक के साथ धुंध भी मुश्किलात पैदा करने लगी, महकमा मौसमियात के जनवरी के आगाज में मजीद ठंड बढ़ने की पेशगोई, स्कूल एजुकेशन का छुट्टियां 1 हफ्ता मजीद बढ़ाने पर गौर, बच्चों के वालिदैन की जानिब से रजामंदी का इजहार, हतमी फैसला निगरान हुकूमत का होगा। महकमे खजाना ने गाड़ियों की खरीदारी का बजट रोक दिया, IMF की शराइत पर गैर तरक्याती स्कीमों की ग्रांट भी मुश्किलात का शिकार, सिर्फ तरक्याती स्कीमों की सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी की जा रही है। महकमा एक्साइज के नाके काम कर गए, 6 माह में 2 अरब 84 करोड़ का टोकन टैक्स वसूल, नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कीमत में 1 अरब 63 करोड़ की फीस वसूली, ट्रांसफर फीस कीमत में 31 करोड़ रुपए खजाने में जमा, 4 अरब 79 करोड़ का टैक्स वसूल किया गया। पंजाब फार्मेसी काउंसिल ने भी फीस बढ़ा दी, फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन और तजदीदे फीस 5,000 मुकर्रर, जबकि टेक्नीशियन के इम्तिहान के लिए 6,000 जमा कराना होंगे, 1 जनवरी से वेरिफिकेशन फीस 1,500 रुपए, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 देना होगी।
एक माह बीत गया, यूटिलिटी स्टोर्स पर दालें ना आईं। दाल माश, दाल मूंग, दाल मसूर के शेल्फ खाली, दर्जा सोन का घी भी महंगा। बाजार में 350, यूटिलिटी स्टोर्स पर 400 रुपए किलो बेचा जा रहा है। इलेक्शन ट्रेनिंग से गायब असातिज़ा के खिलाफ शिकंजा सख्त। एजुकेशन अथॉरिटीज ने असातिज़ा की तनख्वाहों से कटौतियां शुरू कर दी। शोकाज नोटिस भी जारी। गैर हाजिरी की वजूहात से आगाह करना होगा। उधर इंसाफ स्कूलों में जाली भर्तियों और एनरोलमेंट का भी इंकशाफ। ऑडिट कमेटी का इजलास कल तलब। लाहौर के 108 इंसाफ स्कूलों की छान फटक होगी। हायर एजुकेशन के लिए साल 2023 भी मायूस कुन रहा। कोई नई स्कीम शुरू ना हो सकी। 25 जामियात में वाइस चांसलर की तकर्री का अमल मुकम्मल ना हुआ। 300 कॉलेजेस में मुस्तकिल प्रिंसिपल्स की तायुनाती ना हुई। लाहौर समेत 7 तालीमी बोर्ड्स में मुस्तकिल चेयरमैन की कुर्सियां भी खाली पड़ी हैं। ट्रैफिक कवानीन की कानून शिकनी करने वालों के गिर्द घेरा तंग। रवामा 7,53,000 शहरियों के खिलाफ वर्जियों पर चालान। वन व्हीलर्स और सहूलत कारों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। सीटीओ के मुताबिक न्यू ईयर नाइट पर वन व्हीलिंग हुल्लड़बाजी रोकने के लिए 90 मुकामात पर नाके लगाए जाएंगे। मिलावट माफिया के खिलाफ फूड अथॉरिटी का ऑपरेशन। शहर के दाखिली रास्तों की नाकाबंदी। 3,13,000 लीटर दूध की चेकिंग। 630 लीटर मिलावटी दूध तल्फ। टेस्ट नाकिस पाए जाने पर कार्रवाई। 700 किलो नाकिस गोलियां टॉफियां भी पकड़ी गई। कोटलखपत के करीब धुंध के बायस गाड़ी नाले में गिर गई। फैसल नामी शख्स जाम भाग। 3 जख्मी अस्पताल दाखिल। कार सवार अपराध नारवाल से शादी के लिए आए थे। सेशन कोर्ट में 2016 से 2018 तक का रिकॉर्ड तल्फ। हाई कोर्ट के हुक्म पर सेशन कोर्ट ने रिकॉर्ड नीलाम किया। रिकॉर्ड रूम में नया रिकॉर्ड रखने के लिए नीलामी की गई। अगले मरहले में 2020 का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड करके तल्फ किया जाएगा। साल 2023 सियासतदानों के लिए भारी रहा। बानी पीटीआई परवेज इलाही समेत दीगर सियासतदान अदालतों के चक्कर काटते रहे। साबिक खातून अव्वल मुशा बीबी डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर चीमा, असद उमर, फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमात हुए। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह, अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर हाईकोर्ट में पेश हुए। लाहौर हाईकोर्ट की स्टेब्लिशमेंट ब्रांच के 83 अफसर तब्दील। 27 एडमिन ऑफिस कोऑर्डिनेटर भी शामिल। राणा साजिद, ताहिर महमूद भट्टी, गुलाम मुस्तफा, मोहम्मद यूसुफ समेत दीगर नाम शामिल। वजीर आला मोहसिन नकवी से वफाकी वजीर इत्तला'आत मुर्तजा सोलंगी की मुलाकात। मीडिया इंडस्ट्री के मसाइल, सहाफी बिरादरी की फलाह बहबूद के लिए इकदाम पर तबादला ख्याल। वफाकी वजीर ने अवामी मनसूबों की तेज रफ्तारी से तकमील को सराहा। इलेक्शन की तैयारियां तेज। महकमा दाखला का कंट्रोल रूम कायम। एडिशनल सेक्रेटरी उस्मान खालिद खान सरबराह मुकर्रर। डीसी से फोकल पर्सन के नाम तलब। आईजी उस्मान अनवर कहते हैं इलेक्शन में अमनो अमान के बिगाड़ का खदशा है। सियासी ग्रुपों में लड़ाई हो सकती है। हसास पोलिंग स्टेशन की निगरानी यकीनी बनाएंगे। नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम मुंतखब कराएंगे। मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफर जहां से रुका वहीं से दोबारा शुरू होगा। मियां शहबाज शरीफ की मीडिया टॉक। मुस्लिम लीग नून के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड का 17वां इजलास। कसूर, शेखपुरा और ननकाना के उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए गए। जमात इस्लामी की इंतखाबी मुहिम का आगाज। लियाकत बलोच की एन ए 123 में बैठक। डोर टू डोर मुहिम का जायजा लिया। डॉक्टर महमूद अहमद, राणा आसिफ, मोहम्मद जावेद भी शरीक थे। पीपल्स पार्टी के जनरल ख्वातीन और अकलियती नशिस्तों पर कागजात नामजदगी मंजूर। हिना रब्बानी खर, समीना खालिद घुरकी, नताशा दौलताना के कागजात मंजूर। नीलम जब्बार, शगुफ्ता चौधरी, नरगस फैज, लुबना तारिक, एडमन सहोत्रा शामिल। राना जमील मंज, उमर शरीफ बुखारी, अजीजुर रहमान, जहांजेब अहमद के कागजात मंजूर। बेनजीर भुट्टो शहीद की 16वीं बरसी पर ताजियती तकरीबात। जियालों का डोंगी ग्राउंड मॉडल टाउन में इकट्ठ। चौधरी मंजूर, असलम गिल, जमील मंज की शिरकत। फायजा मलिक, अमजद जट, सोनिया खान, बुशरा मलिक,
मुनव्वर अंजुम सादिक लून भी शरीक। टाउनशिप में तकरीब फैसलमीर समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। सूबाई वजीर तालीम मंसूर कादिर की जेर सदारत इजलास, दर्जे चहारम के मुलाजमीन की भर्ती आउटसोर्स करने की मंजूरी। बजट की तैयारी में खामियों पर वजीर तालीम बरहम, दो रोज में दोबारा बजट तैयार करने का हुक्म। वबाई अमराज के खिलाफ तैयारी के आलमी दिन पर इजलास, वजीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर का खिताब। उधर वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अक्रम से रिसर्चर डॉक्टर जुल्फकार की मुलाकात। जदीद रिसर्च बुनियादी इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन PIC बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर फरकत की जेर सदारत इजलास, एमरजेंसी रीवैम्पिंग ट्रैफिकरी प्लान और बहाली का जायजा लिया। PIC कलेक्शन सेंटर और डायग्नोस्टिक सेंटर की बहाली का काम तेजी से जारी। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि ग्राउंड फ्लोर एमरजेंसी को 3 से 4 दिन में फ़ाल कर दिया जाएगा। गवर्नर पंजाब से पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस के वफद की मुलाकात। तारिक महमूद मियां की फैमिली मेडिसिन के शोबे को मजबूत बनाने पर ब्रीफिंग। गवर्नर ने डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए किरदार को सराहा। पंजाब पुलिस के ऑफिसर बड़े फनकार निकले। लाहौर चैम्बर में आर्ट की नुमाइश IG पंजाब ने इफ्तिताह किया। लेडी कांस्टेबल्स, ट्रैफिक पुलिस और डॉल्फिन स्क्वाड के जवानों के तैयार करदा फनपारे पेश। पुरानी आयात की दिलफरेब खत्ताती, लैंडस्केप, सिटीस्केप और मॉडर्न और तजरीदी आर्ट शामिल था, जबकि सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर, प्रिंसिपल MCA मुर्तजा जाफरी ने शिरकत की। SPCT काजी अली रजा के अपने ऑफिस में खुली कचहरी। उम्र रसीदा खातून की फरियाद सुनी, मौके पर अहकाम जारी किए। SSP इन्वेस्टिगेशन अनोश मसूद की जेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड, डिवीजनल SPs की शिरकत। मुकदमात की नाकिस तफ्तीश पर मुतअद्दिद थानों के तफ्तीशी अफसरान को सजाएं। फेडरेशन चैम्बर का इलेक्शन, मुतहारिब ग्रुप के कायदीन कराची चले गए। ख्वाजा शाह ज़ैब अकरम, तनवीर शेख, मियां अंजुम नसार शामिल। FPCCI का इलेक्शन 30 दिसंबर को होना है। जिमखाना इलेक्शन हतमी मरहले में दाखिल। इंतजामिया ने उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट आवेजा कर दी। 26 उम्मीदवार जिमखाना इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सलमान सिद्दीक, डॉक्टर अली रजाक, मियां मिसबाउर रहमान, वाजिद अजीज खान शामिल हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का चौथा कॉन्वोकेशन। गवर्नर पंजाब ने 18 तुलबा को गोल्ड मेडल दिए। वाइस चांसलर डॉक्टर अदनान नूर, प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ महमूद, प्रोफेसर डॉक्टर तौसीफ तौकीर की शिरकत। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन का वाहगा बॉर्डर का दौरा। परचम उतारने की पुरवकार तकरीब देखी। काला पहलवान, सज्जाद पहलवान, मिठू पहलवान और दीगर की कर्नल फैसल सिद्दीकी से मुलाकात। जवानों के जज्बे की तारीफ की।